सुप्रभात बच्चों, हम सीख रहे हैं ओ की मात्रा और आज उसमें सीखेंगे समानतुक वाले शब्द और वाक्य बनाओ। एक बार फिर से हम ओ की मात्रा से जुड़े हुए चित्रों को पहचानते हैं। तो पहला चित्र है ओढ़नी, दूसरा ओखली, तीसरा घोड़ा, चौथा तोता। अब हम ओ की मात्रा के शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। गोभी, गोल, गोरा, चोटी, कोठी, रोटी, कोयल, कोमल, कोयला, कोहनी, कोठरी, पोटली, कोतवाल, होनहार, गोलमाल। बच्चों, अब आप देख रहे हैं समानतुक वाले शब्द। समानतुक वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंत में जो अक्षर आता है या मात्रा होती है वो एक समान होती है। जैसे गोल, मोल। यहाँ गोल और मोल दोनों की अंत में एक समान अक्षर आया है। गोल में ल और मोल का ल, ये दोनों ही समान अक्षर हैं। मोर, चोर। अब इस शब्द में भी देखिए, मोर के अंत में र, चोर के अंत में भी र, तो समान उच्चारण हो रहा है। गोरा, छोरा। गोरा में रा और छोरा में रा, दोनों में समान अक्षर आए हैं और स्वर समान है। रोटी, मोटी। इन शब्दों में के अंत में भी टी एक समान है। छोटी, खोटी। यहाँ भी छोटी और खोटी में अंत में जो अक्षर और स्वर आया है वो एक समान है। चलिए अब इनके मीनिंग हम बता देते हैं। गोल, गोल यानी राउंड। मोल, मोल यानी किसी चीज़ की कीमत या प्राइस। मोर, मोर एक पक्षी है जिसे पिकॉक कहा जाता है इंग्लिश में। चोर यानी किसी सामान को चुपचाप से बिना बताए उठा के ले जाने वाला, उसे कहते हैं चोरी करना। तो यानी जो चोरी करता है उसे कहते हैं चोर। गोरा यानी जिसका रंग वाइटिश हो, यानी स्किन कलर जिसका वाइटिश होता है उसे हम गोरा कहते हैं। छोरा यानी लड़का। रोटी यानी चपाती, जो आप सब जानते ही हैं। मोटी यानी फैट, जैसे मोटी लड़की। छोटी यानी स्मॉल। खोटी, खोटी यानी खराब। अब है बच्चों लेखन कार्य, इसे आपको नोटबुक में करना है। तो पहले हैं समानतुक वाले शब्द, इन्हें लिखते समय आप बोल बोल कर लिखेंगे। गोल, मोल। मोर, चोर। गोरा, छोरा। रोटी, मोटी। छोटी, खोटी। आगे है वाक्य बनाओ। यहाँ पर जो वाक्य बनाए गए हैं वो आपको समझने के लिए हैं, आप अपने दूसरे वाक्य बना सकते हैं। पहला शब्द है कोयल। कोयल एक पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है, मीठी आवाज़ में बोलती है। पेड़ पर कोयल बैठी है, तो कोयल के लिए हमने वाक्य बनाया है पेड़ पर कोयल बैठी है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा शब्द है कोतवाल। कोतवाल यानी पुलिसमैन। कोतवाल ने चोर पकड़ा। कोतवाल शब्द और कोयल शब्द, इन शब्दों को अंडरलाइन कर दीजिएगा बच्चों।
तो बच्चों, आपने ओ की मात्रा के जितने भी शब्द सीखे हैं उन सब का अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।